नमस्कार दोस्तों दोस्तों घूमने की इच्छा रखते हैं, अब वो भी इंटरनेशनल कंट्री में, तो देखिए इस वीडियो को देखने के बाद शायद मैं आपके थोड़े से पैसे सेव कर सकूं और आपको थोड़ी सी एक हेल्प हो सके मेरे द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीज़ा अगर आपको नहीं चाहिए या चाहिए तो फ्री में चाहिए, और इंटरनेशनल कंट्री में आप जाना चाहते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ एक तो टाइप ऑफ वीज़ा, वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं, और अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन सिटीजन है आप, तो कहाँ पे आपको वीज़ा फ्री मिलेगा और कहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। यहाँ से आपको टेंशन ही नहीं लेनी है कि बस पहुँचना है कंट्री में और वहीं वीज़ा लेना है या ई वीज़ा लेकर के जाना है। एक ई वीज़ा भी कैटेगरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये कैसे कैसे लेने हैं आपको, कैसे फ्री मिलेगा आपको वीज़ा इंटरनेशनल कंट्री का, और किस किस कंट्री का आपको फ्री मिलेगा, या किस कंट्री में आपको वीज़ा ऑन अराइवल फ्री मिलेगा या फीस देनी होगी, तो ये मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रोत्साहन मिलता रहे दोस्तों हम जैसे यूट्यूबर को आगे आपके लिए और वीडियो लाने का और आपकी हेल्प करने का। तो दोस्तों ये मैं आपको शुरू करता हूँ बिना देरी की ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा वीज़ा टाइप में आता है, वीज़ा फ्री होता है एक, तो जैसे कि जिसके पास बस पासपोर्ट है और घूमना चाह रहे हैं, बस पासपोर्ट उठाइए और वीज़ा की चिंता मत कीजिए, वहाँ पे बस सिर्फ स्टैंप लगाइए और एंट्री हो जाइए कंट्री में। दूसरा आता है वीज़ा ऑन अराइवल। दोस्तों वीज़ा ऑन अराइवल कुछ कंट्रीज इंडियंस को फ्री देती है और कुछ कंट्रीज फीस लेकर के वीज़ा ऑन अराइवल देती है, यानी कि एयरपोर्ट पर पहुंच करके आपको वीज़ा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कि एम्बेसी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा आता है ई वीज़ा। ई वीज़ा दोस्तों कुछ कंट्री फ्री है जिसमें कि आपको कुछ कंट्री में फ़ीस देनी पड़ेगी, लेकिन आपको ई वीज़ा बाई इंटरनेट लेना पड़ेगा, ऑनलाइन लेना पड़ेगा। और फोर्थ पोर्शन दोस्तों एक एंट्री वीज़ा का है, इसमें जिसमें कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा, छोटा सा आपको बता देता हूँ। एंट्री वीज़ा जैसे UAE, दुबई, सिंगापुर, ये लोग प्रोवाइड करते हैं, इसका बहुत ही अलग ही मैटर है, तो वो मैं नहीं शेयर करूँगा। इसमें तीनों का बताऊँगा। वीज़ा फ्री, सबसे पहले आप पासपोर्ट लीजिए, और मैं आपको कंट्रीज़ बता रहा हूँ वीज़ा फ्री कौन कौन सी है। कुछ कंट्रीज़ मैं बताऊँगा, कुछ कंट्रीज़ नहीं बता पाऊँगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी। सबसे पहले मेन मैं आपको बताता हूँ वीज़ा फ्री कंट्री, भूटान है, नेपाल है, इंडोनेशिया है, जमैका है, सर्बिया है, जो यूरोपियन कंट्री है दोस्तों, सर्बिया बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो दोस्तों और भी कंट्री आती है जैसे मकाऊ है, ये आपको बस पासपोर्ट चाहिए और चले जाइए आप, वीज़ा फ्री है यहाँ पे इंडियंस के लिए। दूसरा आता है दोस्तों वीज़ा ऑन अराइवल, किस किस कंट्री में वीज़ा ऑन अराइवल है, मालदीव्स, लाओस, मोरेसिस, कंबोडिया, फिजी, और दोस्तों नाइजीरिया। ओनली प्री अप्रूव्ड वीज़ा ऑन अराइवल है, ये पहले आपको एक ईमेल करना पड़ेगा तो आपको वो प्री अप्रूव कर देंगे, तो ये आपको वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पे दे देंगे आपको। तो दोस्तों और एक इसमें थाईलैंड था कंट्री में, बट कोविड से थाईलैंड अभी नहीं है वीज़ा ऑन अराइवल में, वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है थाईलैंड का। अगर आप कोई और वीडियो देख रहे हैं पुरानी, तो प्लीज़ बी अवेयर, थाईलैंड अगर जाना चाह रहे तो स्टिकर वीज़ा ले करके जाइए अपनी कंट्री से, तब आपको एंट्री मिलेगी। दोस्तों तीसरा आता है जहाँ पे ई वीज़ा मिलता है आपको, मलेशिया। मलेशिया में आपको ENTRI वीज़ा मिलेगा दोस्तों, टूरिस्ट वीज़ा, ये आपको ई वीज़ा अप्लाई होगा, आपको 15 से 20 मिनट में मिल जाता है नॉर्मली, वैसे 2-3 घंटे भी लग सकते हैं कभी किसी किसी केस में। और दूसरा आता है इसमें ई वीज़ा में श्रीलंका, म्यांमार, जाम्बिया, वियतनाम। तो दोस्तों ये कुछ कंट्रीज़ मैंने बताई है मेन जो ब्यूटीफुल कंट्री है, आप जाइए यहाँ पे जिस कैटेगरी में मैंने आपको बताया है वो कैटेगरी यूज कीजिए, तो दोस्तों हेल्प मिलेगी आपको। और अगर आप इंडियन सिटीजन है तो इन्हीं कंट्री में जाइए आप और घूमिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो ना लंबी करते हुए अब बंद करता हूँ वीडियो को, और आपसे उम्मीद करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।